हे गाइस, वेलकम बैक टू डीएनए व्लॉग्स। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे। और आज हम पहले तो करेंगे अनबॉक्सिंग फॉर दिस टैंक बैग दैट इज फ्रॉम डर्ट यू गेयर्स। सो वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली और इसको क्विकली अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड देन डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। मेरा अनबॉक्सिंग ज़्यादा कुछ फैंसी रहता नहीं है वैसे। एंड looks quite big. इसमें से तो स्टर्डी लग रही है। सो दे आर प्रिटी न्यू इन द मार्केट बट जो मैन्युफैक्चरर है ही हैज वर्कड विथ क्वाइट बिग ब्रांड्स एंड देन यू नो कीपिंग इन माइंड आवर राइडर्स रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल He is then manufactured his own product, which is this bag. Now, this comes with a. Now, this is not a magnetic tank bag. First of all, so this comes with your tank strap, which you can, put it on. Actually, it is a universal fit. You can put it on almost any bike. So what I'll do is I'll do a brief installation of this on my. मे बी आर टी आर मे बी डोमिनार एंड टी आर के तीनों का कर दूंगा एक प्रॉब्ली आई ट्राई टू पुट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। पहले तो फीडबैक के लिए वीडियो में बनाऊंगा जो रहेगा वो विल बी अबाउट नो स्पेसिफिकेशंस। तो लेट्स जंप इनटू स्पेसिफिकेशंस। बैग कुछ ऐसे दिखती है, आपको मैं क्लोजअप लेके फिर से दिखाता हूँ नीचे रख के एंड बताता हूँ इसके साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो गाइज, ये था ब्रीफ अनबॉक्सिंग अबाउट द रेनार्ड टैंक बैग फ्रॉम डर्ट्यू गेयर्स। एंड अब क्विकली देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या है, कितने पॉकेट्स है, मटेरियल क्या है एंड कैसे खुलता है वगैरह। सो दिस होल मटेरियल इज यू नो मेड फ्रॉम लेदर एंड यू गॉट अ बिग फ्लैप ओवर हियर। अगेन दिस फ्लैप ऑल्सो इज यू नो अ हार्ड बॉडी, इट वोंट फोल्ड ईजिली। आई मीन इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट cap kind of stuff, it is hard, so it will retain its shape for maximum number of time. And probably you can put some gloves or something, you know, hold them, you can tie your gloves or something from here and hold them in between over here, in between this cap and the actual cover. Now to get access to the bag, aapko ye pura zip kholna hai first wala, and of course you get a dust cover in it, you get a base cover. This will go on your tank and you get some straps with which you can tie the base cover on the tank and then you can plug in your tank bag with the buckles over here. So as I told you, this head, this main flap upar ka isko ye hard case ka hai. Similarly the boundary has hard casing and ye agar aap main yahan pe dabaun to ye bend nahi hota hai. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सिक्योर सम यू नो इम्पॉर्टेंट स्टफ इन दिस, जब आपको कुछ ऐसा कुछ नाजुक लेके जाना है टैंक बैग के अंदर, तो यू कैन पुट इट इनसाइड दिस। एंड मैंने ये भी ट्राई किया था, वैन आई प्रेस इट दिस वे या फिर मैं ऐसे मारता हूँ तो वो बैंड नहीं होता है। सो ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट शेक प्रूफ बिकॉज आपकी पूरी बाइक भी शेक होगी, बट कुछ आप अगर ऐसे लेके जाना चाहते हो सॉफ्ट इसमें तो आप ईजिली लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्टन कैमराज अगर लेंस लगा के आपने रखा है इसमें और ऊपर से प्रेशर आ जाए तो वो कैमरा पे प्रेशर नहीं डालेगा। तो अंदर की तरफ और कोई पॉकेट्स नहीं है, पॉकेट्स बाहर की तरफ है सिर्फ। एंड दिस 18 लीटर्स कैन बी एक्सपेंडेड टू 22 लीटर्स फ्रॉम हियर। ये जिप आपको खोलनी है पूरी की पूरी। एक बार आप ये जिप खोल लोगे तो ये आपका पूरा बैग का इंटरनल वॉल एक्सपैंड हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। एंड यू कैन स्टिल पुट द कवर। ओके, सो एक बार क्या करेंगे, जब मैं डेमो देता हूँ या फिर जब मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ तब तो मैं पूरा इसमें सामान एक्स्ट्रा भर के आपको दिखा दूँगा, वो तब हम डेमो करेंगे वैसा। ओके, सो स्पीकिंग अबाउट द पॉकेट्स, अंदर कोई पॉकेट नहीं है। लेफ्ट एंड राइट पे एक छोटे छोटे पॉकेट्स दे दिए गए हैं, सो यू कैन यूज़ दिस स्मॉल पॉकेट्स फॉर योर निकनैक्स। ओके, यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, पेपर्स वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये एक नेट यहाँ पे है,
एंड आपका जो मेन पॉकेट है मोबाइल होल्डर के लिए या फिर मोबाइल डिस्प्ले के लिए, यू कैन पुट योर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अनलॉक करके मैंने अंदर डाला है, सॉरी लॉक करके अंदर डाल दिया है एंड ये ऑपरेट तो होता है वेरी इजीली, मैंने यूज़ भी किया है एंड ये यू कैन अनलॉक इट वेरी इजीली, यू नो व्हाट एवर यू वांट टू एक्सेस, आपको मैप्स वगैरह एक्सेस करने हैं तो यू कैन इजीली डू एवरीथिंग। यू वांट टू टाइप समथिंग लाइक मुंबई, अगर मैं डालता हूँ इसमें तो इट डज शो ऑल दी नो डायरेक्शंस एंड ऑल रियली नाइस। सो ऑपरेशन इसका मतलब बैग में से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सो व्हेन इट्स रेनिंग ऑन ऑल यू कैन पुट योर फोन इनसाइड एंड यूज योर यू नो मैप्स एंड ऑल फ्रॉम हियर। सो ये हो गया इसके बारे में। देन यू गॉट वन मोर पॉकेट हियर एंड ये भी यहाँ पे काफ़ी डीप है। बाय द वे बोथ दिस पॉकेट्स आर क्वाइट डीप, यू कैन सी इसमें आप एटलीस्ट दो ऐसे वन प्लस 60 आराम से डाल पाएंगे। दिस इज़ माई वन प्लस 6, तो दो फोन्स आ जाएंगे या फिर थोड़े छोटे फ़ोन हो तो वो आ जाएंगे, बड़ा फ़ोन हो इससे बड़ा लाइक मेरा 8 प्रो तो वो 8 प्रो ऐसे क्रॉस में बैठता है, वैसे 8 प्रो से शूट हो रहा है अभी। सो दीज वर ऑल दी पॉकेट्स एंड दिस बैग ऑल्सो टर्न्स इंटू अ सैक पैक, वो भी दिखा देता हूँ कैसे। लेट मी जिप बैग, ये पूरा जिप कर देता हूँ फिर से सो दैट नथिंग इज हैंगिंग अराउंड। ये लॉक कर दिया हमने, यहाँ पे लॉक हो गया एंड यू कैन टाइटन दिस ऑल्सो एंड बहुत से बैग्स में ऐसा पॉकेट आता ही है। आई यूजली लाइक टू कीप द बाइक पेपर्स ओवर हियर बिकॉज जब ये टैंक पे होता है तो यहाँ से पेपर्स निकालने को बहुत ईजी हो जाता है। सो इट हैज़ गॉट टू स्ट्रैप्स एट द बैक साइड ऑल्सो एंड यू कैन यूज दिस स्ट्रैप्स ओवर हियर, यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे एंड इट बिकम्स अ सैक पैक। तो ये आपका लोअर साइड हो जाएगा, तो आपको पहन के दिखा दो। सो जैकेट पे भी आप आराम से पहन सकते हैं, जो मैंने अभी नई जैकेट ली थी मेरी मोटोटेक की, उस पर भी मैं यू नो बैग पहन के एक्चुअली गया था, मैंने ये लगाया नहीं था तो आई यूज्ड इट दैट वे। सो इट्स नो क्वाइट कंफर्टेबल, ऐसे कुछ ये नहीं है, आप स्ट्रैप्स ऑफकोर्स एडजस्ट कर सकते हैं आपके लेंथ के लिए। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टैंक बैग। यू गॉट टू रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर, सो दिस इज यूजली योर फ्रंट फेसिंग आई गेस, क्योंकि रिफ्लेक्टर्स इस साइड पे हैं। सो दिस इज एक्चुअली इसका जो पूरा बॉडी जिससे बना हुआ है, विच इज़ यू नो इट इज़ अ ड्यूरेबल हाई डेंसिटी पीयू कोटेड वाटर रेजिस्टेंस और पॉलिस्टर फैब्रिक है ये सब जगह जो यूज़ हुआ है। सो आई गेस इट्स गोना बी रफ एंड टफ इन यूसेज। बाकी तो इसमें और कुछ बताना बचा नहीं है फीचर्स वाइज। वंस आई गेट ऑन द बाइक आई विल प्रोबेबली डू इंस्टॉलेशन वीडियोज ऑन माई यू नो RTR, Dominar एंड TRK, तीनों पे इंस्टॉल कर देंगे। ये जो फ्लैप है इनका, दिस फ्लैप वी विल इंस्टॉल ऑन ऑल द थ्री बाइक्स एंड आपको दिखा दूंगा। सो ये फ्लैप का बेस है, अगेन दिस इज़ लेदरलेस मटेरियल एंड इट वोंट स्क्रैच योर बाइक्स। दिस मटेरियल लुक्स यू नो क्वाइट गुड, इट्स नॉट रफ, इट्स सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड बीच में स्पंज भी दिया है यहाँ पे। सो दिस स्पंज हियर एंड दिस स्पंज एट द बॉटम ऑल्सो you know and in the sides also, so even this bottom has some sponge and even this sides you know both the sides have sponge. So isko install karenge plus yahan pe you know kind of strap hooks diye hain if you want to mount something over here or if you want to get something you know yahan pe kuch aapko agar you know if you want to hold something over here. So that's it guys, I'll end the vlog here. इसका परचेस लिंक एंड यू नो स्पेसिफिकेशंस वगैरह आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आई विल आल्सो लीव कॉन्टैक्ट फॉर डॉक्यू गेयर्स, इनका इंस्टाग्राम वगैरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो इफ़ समवन वांट्स टू परचेज दिस इवन बिफोर यू नो आई पुट द रिव्यू, यूसेज रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन रिव्यू, यू कैन स्टिल गो अहेड। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट जो मैंने दिखाया। इफ़ येस
लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना इस वीडियो को. इफ़ यू नो समवन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस बैग, यू कैन श्योरली गेट इन टच विद देम. एंड इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन. सो लॉगिंग ऑफ फॉर नाउ, सी इन अ न्यू वीडियो वेरी सून.